हजारों नहीं लाखों लोग भाजपा में आ जाए तब भी भाजपा काम करेगी, सम्मान करेगी। ये कौन कह रहा है? चुरोलिया नहीं कह रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है। अब जो नेता कांग्रेस छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता उनकी खिल्ली उड़ा चुके हैं। उनमें पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, अजय बिश्नोई और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ वक्त वक्त पर कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसे नेताओं के मजे ले लेते हैं। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केविन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन, लिंक रोड, मकरोनिया, सागर। लेकिन जो नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, उन कांग्रेसी नेताओं के साथ गोविंद सिंह राजपूत खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत कहते कि छोट भैया नेता नहीं। खुद अमित शाह ने कहा है कि जो नेता कांग्रेस से भाजपा में आए उसका सम्मान होना चाहिए। आप गोविंद सिंह राजपूत का यह बयान सुन। हजारों नहीं लाखों लोग भाजपा में आ जाए तब भी भाजपा काम करेगी, सम्मान करेगी। ये कौन कह रहा है? चुरोलिया नहीं कह रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व कह रहा है, यानी अमित शाह जी कह रहे हैं, नड्डा जी कह रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता जो आना चाहते उनका पलक पावड़े बिछा के भाजपा में स्वागत है। हमें तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है और किसी ओर हम अग्रसर नहीं बल्कि से बन रहे। हमारे संपर्क में 4-5 को विधायक। अब गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से आए भाजपा में नेताओं की तोहिन इस बात से नहीं सुन पा रहे कि वो खुद कांग्रेस से भाजपा में आए थे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं और उनके बेहद खास हम खास मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुना संसदीय क्षेत्र में मोर्चा संभाला है। वो मुकाबली में पार्टी की बैठक ले रहे थे, इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी कांग्रेस से आए नेताओं का सम्मान करेगी। राजनीति का अंदाज कहता है कि भाजपा यह मैसेज देना चाहती है कि देश कांग्रेस मुक्त हो गया है। भारी तादाद में अगर कांग्रेस से भाजपा में नेता आ गए तो भाजपा का संतुलन बिगड़ सकता है और मूल भाजपा पार्टी से नाराज भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अमित शाह और मोदी की यही योजना है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के नेता भाजपा में आए और कांग्रेस के पैर डगमगा जाए, यही उनकी योजना है। अब गोविंद सिंह राजपूत के बयान से पहले गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और प्रहलाद पटेल क्या बयान दे रहे हैं, जरा आप ही सुन लीजिए। साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं? कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट ही इफेक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है जैसे बेड़ी होती नहीं पकी हुई बेड़ी, और हिलाते हैं तो बेड़ टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है। सर, ग्वालियर में अभी बैठक थी तो माननीय अमित शाह जी आए थे, तो वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे चुनाव को लेकर। एक कार्यकर्ता ने पूछा था, जे नई नई भर्ती हो रही है, तो उन्होंने कहा, इसको हंसी में नहीं, उन्होंने कहा जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला, जिनको आज 15 दिन हुए उनको क्या मिल रहा है। पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है, जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समा रहा है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं, कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है, तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। बहरहाल भाजपा का जो 30 और 40 साल पुराना कार्यकर्ता और नेता है वो क्या सोच रहा है उसकी परवाह ना शाह को है,
ना ही मोदी को। अगर वो बिगड़ गया या चुपचाप रहकर उसने पार्टी लाइन छोड़कर पार्टी के खिलाफ हल्की सी आवाज खड़ी कर दी तो भाजपा के परिवार में जबरदस्त बगावत हो सकती है। इसका आभास अभी तो भाजपा को नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में भाजपा अंतर कलह के दौरों से जरूर गुजर सकती है, क्योंकि इस देश में इंसानी फितरत कहती है कि उसकी जगह में जब दूसरे ने अतिक्रमण किया है तो फिर बगावत तो हुई है। अब बगावत कैसी होगी यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा कि आए दिन कुछ न कुछ देखने को आप जरूर मिलेगा। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। देश की सबसे विश्वसनीय कार कंपनी हुंडई लाया है विशेष ऑफर। सागर की हुंडई कार उज्जैन के मेले से खरीदें और 50% RTO रजिस्ट्रेशन में छूट पाएं। साथ ही विशेष ऑफर, यह मौका 9 अप्रैल तक, तो चलें उज्जैन हुंडई के साथ।